इस तरीके का चर्च में नुकसान पहुंचाया गया है, कह रहे हैं कि बजरंग दल वालों ने किया है, कुछ लोगों को मारे भी हैं यहाँ पे, इनको इनको मारा भी गया है, ये यहाँ पे चोट लगा है इनको, इनको भी मारे हैं, बाल को भी खींचे हैं, यहाँ और दीदी को कपड़ा खींच के पेट में लात मार, पेट में लात मार, कौन था मारने वाला, कौन था वही, तो एक ज्योति शर्मा थी, ज्योति के साथ एक डोकरा, अब वो तो नाम नहीं मालूम हमको, एक बुजुर्ग व्यक्ति, और तो एक जो मुंह में बांधे थे, मास्क पहने थे और लड़कियों से, और सबके सब शराब, सबके सब एकदम शराब पिए थे, उनके मुंह से निकल रहा था शराब, दान पेटी का पूरा पैसा ले गया, दान पेटी का पैसा था, दान पेटी का पैसा ले गए, पूरा तोड़ फोड़ आप देख सकते हो, दान पेटी हम लोग साल में एक बार निकालते हैं, पैसा हर हर संडे डलता है, अब दान पेटी का पैसा एक रुपया में नहीं है, साल में एक बार पूरा पैसा ले गए, अगर रहता तो यहाँ दिखता एक रुपया नहीं आएगा, जबकि साल में एक बार निकाल के उसको ये करते हैं लोगों को, मतलब खिलाना पिलाना, देखिए पुलपिट पुलपिट भी टूट गया, क्रूज प्राइज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। ये वीडियो छत्तीसगढ़ का है और अगेन दोबारा बजरंग दल के लोगों ने चर्च में घुसकर आदिवासी भाई बहनों के साथ में मारपीट की है, जो कि सरासर गलत है। राष्ट्रीय विश्वासी महासंघ इस प्रकार की गंदी हरकतों के लिए हम बार बार भारत सरकार को, शासन को, प्रशासन को ये बता रहे हैं कि
हम लोग किसी भी प्रकार से किसी भी तरह का कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, ना हम लोग कोई ऐसा काम करते हैं जो कि भारत के संविधान के खिलाफ हैं। हम लोग मानवतावादी लोग हैं और ये सब हमारे चरित्र से आप सब लोगों को मालूम भी है और आप हमें अच्छे से जानते भी हैं। फिर भी आपने हमारी कलिशा में आकर हमारे भाई को, हमारी बहनों को जो मारपीट की है वो सरासर गलत है, निंदनीय है। इसलिए मैं वहां के जिला कलेक्टर महोदय से, वहां के एसपी साहब से, एडीएम, एचडीएम और टीआई साहब से निवेदन करता हूं कि उन लोगों को तत्काल अरेस्ट किया जाए जिन्होंने ये घोर अपराध किया है और उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए। एक धार्मिक स्थल को तोड़ने पर, क्रॉस को तोड़ने पर, बाइबिल फाड़ने पर, विश्वासी भाई बहन के साथ मारपीट करने पर जो जो धारा उचित धाराएं हैं उन्हें लगाई जाए और उन्हें अरेस्ट करके जेल भेजा जाए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं या आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम इस बात को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे समाज के प्रबुद्ध लोगों के माध्यम से आगे तक इसको पहुंचाएंगे। हम ये चाहते हैं कि देश में शांति बनाए रखें। हम लोग किसी भी प्रकार के उपद्रवी या उत्पादी लोग नहीं हैं, तो हमारे साथ भी वैसे ही जो एक मानव के साथ में व्यवहार किया जाना चाहिए वैसे ही व्यवहार करना चाहिए, परंतु वो व्यवहार आप नहीं कर रहे जो कि बहुत गलत है। आप हमें जानवरों की तरह देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि इस भारत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले मसीह लोग हैं, ईसाई लोग हैं। जबकि मैं बार बार पिछले मेरे वीडियो में भी बोला था, बताया था कि हम लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर समाज सुधारक के काम किए हैं, विज्ञान को दिया है, हॉस्पिटल दिए हैं, एजुकेशन दी है और हम लोगों ने वो काम किए हैं जो मानव हितों में काम होते हैं, मानव हित के काम है, परंतु हमारे समाज को प्रताड़ित करना, हमारे लोगों को मारना पीटना ये बहुत गलत है। कृपया करके इसे बंद किया जाए, अन्यथा हम लोग अपने स्तर पर जो भी एक्शन लेना है वो हम लेंगे।